दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरी प्लस चैनल में। आप सभी के माता पिताओं को मेरा प्रणाम, आप सभी को ढेर सारा प्यार। साथ में जो इतने सारे बच्चों कमेंट आ रहे थे, सर एक बात बताइएगा, इसमें ईएमआरएस में क्या चल रहा है? इसमें ईएमआरएस में जो है आपके एडमिट कार्ड जो है वो जारी होने वाले हैं। अभी तक आपने देखा होगा यहाँ पर जो एग्जाम सिटी जो था आपका जो है ये कि आपका एग्जाम जो कौन से जो है जिले में होगा और सिटी का नाम वो दिया हुआ था है, और यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें एकलव्य स्कूल जो है स्कूल भर्ती के लिए परीक्षा के एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए गए थे। तो केवल और केवल अभी एग्जाम सिटी के बारे में बताया गया, पर यहाँ पर बताया गया इसमें एकलव्य जो मॉडल रेजिडेंस स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर जो है 10,000 पदों पर निकली भर्ती के लिए परीक्षा के एडमिट कार्ड जो है वो जारी होने वाले हैं। अभी जो है ये बहुत से बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पर जो है कि वो एडमिट कार्ड कैसे जारी होंगे, एडमिट कार्ड जारी होने के बाद कहाँ से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर लिखा हो परीक्षार्थी जो आधिकारिक वेबसाइट मतलब इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो है आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये जो है ये आप इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट को आप जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये परीक्षा का शेड्यूल आपको पता ही होगा, 16 से लेकर 24 तक जो है इसमें जो है आपके एग्जाम कराए जाएंगे। अगर आपको शेड्यूल नहीं पता है तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्ड है ना, इसका जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट, यहाँ पर सब का है, लैब अटेंडेंट है, यहाँ पर टीजीटी के हैं, तो यहाँ पर ये पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ है। ये सुबह खबरों में कुछ इंपॉर्टेंट खबर आपकी छूट चुकी थी उसके बारे में देख लें। हाईकोर्ट ने जो है एनसीटीई के जो पत्र के संदर्भ में सरकार को दिए उसमें निर्देश, उन्होंने कहा कि प्राथमिक इसमें जो प्राथमिक अध्यापक भर्ती में जो बीएड पर जो है निर्णय ले सरकार, कहने मतलब क्या हो सकता है कि जो सरकार केवल और केवल मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया, हाईकोर्ट ने भी कह दिया था कि जो है प्रदेश सरकार जानेगी क्या होगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा हुआ बीएड पर जो है निर्णय ले सरकार, यहाँ पर जो है और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इसमें जो प्रदेश में जो है सहायक अध्यापक पर जो नियुक्त होने वाले शैक्षिक योग्यता से बीएड वाले जो है बाहर किए जा सकते हैं यहाँ पे जो है। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है इसमें जो है ये, पर हाँ कल जो आपका यह थेगा कल जो हाईकोर्ट का निर्णय आया था इसमें लिखा केवल और केवल ये लिखा था कि यहाँ पर जो है ये कि आपको जो अब जो भर्ती निकलेंगी तो यहाँ पर जो बीएड वाले इसमें जो है वो नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, और वो कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती बीएड वाले बाहर हो गए, 18 हो गए, पर मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा सब अंदर हैं अभी। ठीक है, और 68,500 में जो है भर्ती में सीबीआई जाँच का मामला इसमें उठा हुआ है। ये इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत क्या अब जो आपका जो आयोग बन रहा है ना, आपका नया शिक्षक सेवा चयन आयोग बन रहा है, तो यहाँ पर जो है उसको लेकर जो है 68,500 में सीबीआई भर्ती जांच के लिए यहाँ पे बोला गया है। अब देखते हैं यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो है गुणांक केवल और केवल मेरिट के बेस पर सिलेक्शन करने के लिए बोला गया था, कहना मतलब क्या, केवल आपका जो है आपका रिटर्न एग्जाम होगा और रिटर्न की जो मेरिट बनाई जाएगी है ना, इसमें जो है उससे नहीं होगा। यहाँ पर जो है पहले क्या होता था, सुपर टेट हो गया है ना, सुपर टेट आपका पहले टेट कराएगी सरकार, इसके बाद सुपर टेट कराएगी, फिर इसके बाद मेरिट लगाएगी है ना, एकेडमिक वाली हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएट में है ना डीएलएड के है ना मेरिट को जोड़ करते हैं, पर अब सब अब को ख़त्म कर देगी सरकार। ठीक है, उसमें क्या क्या यहाँ पर भी लिखा हुआ है इसमें जो है ये कि यहाँ पर जो है अब जो है उसको जो मेरिट को ख़त्म कर देगी, यहीं लिखा हुआ वहीं लिखित परीक्षा के जो है पूरे अंकों के आधार पर सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। पूरा ब्यौरा यहाँ पर जो है ये भेज दिया गया था यहाँ पर, और साथ में इसमें बताया गया इसमें जो है नई पेंशन स्कीम को चुनौती देने वाली जो है ये याचिकाएँ भी इसमें वो खारिज कर दी गई है ना, पेंशन नहीं मिलेगी यहाँ पर जो है ये। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यहाँ पर क्या खत्म हो चुका है, यहाँ पर सहायक वस्तुविद नियोजन भर्ती में जो समक्ष इसमें जो है अर्थात खत्म कर दिया गया, यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो रिक्रूटमेंट जो था वो जारी किया गया था। यहाँ पर जो एक खबर और है, प्रांतीय लोक सेवा आयोग आयोगों का सम्मेलन 18 को होगा, तो ये लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी दो खबर थी यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये, तो यहाँ पर आप ये जो है पढ़ सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मेजबानी पर जो पहली बार प्रदेश के अंतर्गत कहने मतलब प्रदेश में जो है सम्मेलन 18 को होने जा रहा है। ये सुबह खबरों में कुछ इंपॉर्टेंट खबर इसमें छूट चुकी थी, अध्यापक व अनुदेशकों की है लिखित परीक्षा जो जिला मुख्यालय पर ही कराई जाएगी यहाँ पर जो है, और हाँ यहाँ पर लिखा हुआ 3 में भर्ती नहीं की तो विज्ञापन भी निरस्त करने का आदेश दे दिए गए हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताई दिया, अभी लोकसभा आयोग की खबर यही है ना, तो ये सहायक वस्तुविद का इसमें चयन कराने के हैं, इसमें मेरिट को गिरा कर जो है भरने के लिए बोला गया यहाँ पर जो है, ये इसकी अंतिम तिथि यहाँ पर 2 जनवरी 2024 है, ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। बात करेंगे आप शिक्षक भर्ती की, 1,00,000 जो है अभ्यर्थी आज देंगे तो परीक्षा, संशोधित जो है कट ऑफ के बाद जो है 30 अभ्यर्थी सफल घोषित कर दिए गए हैं, 7 दिसंबर को जो परीक्षा का इसमें रिजल्ट अंतिम सप्ताह में आएगा। बात करेंगे यहाँ पर दरोगा भर्ती की, जैसा आपने थंबनेल में देख ही दिया हुआ, तो दरोगा भर्ती जो है इसमें 6,61,000 अभ्यर्थी 17 को जो परीक्षा देंगे यहाँ पर जो है। वहीं पर बात करेंगे इसमें आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग है, तो आपने देखा हो यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यहाँ पर जुटा रहा है टीजीटी पीजीटी पदों का विवरण, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 16 वाली और साथ में जो है ये कहने का मतलब कि 21 वाली भर्ती हुई थी, तो इसमें अभी सीटें जो रिक्त रह गई तो यहाँ पे जो है विवरण जुटा रहे हैं।
तो जितने पद खाली होंगे इसके बाद जो है वो सिलेक्शन लिस्ट जो है मतलब आपको जो है वेटिंग लिस्ट लगा के इनमें भर दिए जाएंगे पदों को। और इसके बारे में अखबार में तो अब आ रहा है, मैंने आपको कल आपको बताया था ना सिपाही में जो है 546 पदों पर जो खिलाड़ियों की भर्ती आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। बात करेंगे यहाँ पे जो है इसमें जो अहमदाबाद की सुनीता सिंह ने जो है यहाँ पे सीता सिंह महाविद्यालय में तोड़फोड़, ये प्राइवेट कॉलेज होते हैं UGC नेट के जो पेपर में सर्वर डाउन हो चुका, हंगामा कर दिया है। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि नेट के जो सर्वर वो डाउनलोड नेट के एग्जाम चल रहा था वहाँ पे जो इंटरनेट में सर्वर डाउन हो गया, लड़के भड़क गए तोड़फोड़ कर दी गई, पूरे शीशे भी सब तोड़ दिए, जनरेटर वनरेटर सब तोड़ दिए गए। जो खबरें छूट चुकी थी ना उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, शिक्षक भर्ती में 90% अंक जो है लिखित परीक्षा व 10% साक्षात्कार के होंगे। इसमें आपका इसमें लिखा हुआ है इसमें शिक्षक सेवा चयन आयोग जो प्राइमरी से उच्च तक जो है करेगा भर्ती, कहना मतलब कि अब जो है प्राथमिक विद्यालयों में अब शैक्षिक योग्यता नहीं जोड़े जाएंगे नंबर, कहना मतलब कि अब जो है शैक्षिक योग्यता जो जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा इसके जो है प्राथमिक विद्यालय में जो है अब जो स्कूलों में जो है शैक्षिक योग्यता पर जो है नंबर आपके नहीं जोड़े जाएंगे। यहाँ पर भी जो है ये लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ है। ये बताया गया इसमें जो है 3 वर्ष जो है इसमें होगा चेयरमैन और सदस्य कार्यकाल, मतलब जो आपका जो है आपका राज्य सेवा चयन आयोग का जो है आयोग की संरचना जो इसमें होंगे 12 सदस्य और गजट में निर्धारित की गई है इसमें अहर्ता और कार्यशैली में, मतलब कि बहुत सकेंगे ये नहीं है एक बार बन गया और बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है, कम से कम 3 साल के लिए आपको चेयरमैन और सदस्य जो है वो रिटायरमेंट हो जाएंगे और नए जो है भर्ती होंगे फिर इसमें भी। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रांतीय लोक सेवा आयोग का सम्मेलन जो 18 दिसंबर को तैयारी में जुटे हैं अफसर, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। साथ में जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो है ये आपका प्रयागराज फतेहपुर प्रतापगढ़ कौशाम्बी इन 4 जिलों से जो भर्ती निकाली गई है इसमें बच्चे कह रहे हैं सर हम डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाएं कहाँ से फॉर्म भरना हमको, तो आपको जो है सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है और वहीं से जाके जरा फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। और साथ में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे आपके 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट आपका जाति का सर्टिफिकेट आपका आधार कार्ड आपका पैन कार्ड आपका निवास सर्टिफिकेट ये सब जो है ये माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो चपरासी भर्ती आई है ये प्रयागराज फतेहपुर प्रतापगढ़ कौशाम्बी 27 दिसंबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है, सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है और वहीं जाकर यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। उसी के साथ अगर बहुत से कहेंगे कि हम मतलब बनना चाहते हैं उसके लिए स्वीपर के लिए वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है, ये है ना माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो है आपका प्रयागराज फतेहपुर प्रतापगढ़ कौशाम्बी यहाँ पर भर्ती आ चुकी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा ब्यौरा यहाँ पर जो दिया हुआ, साथ में जो वॉचमैन जो चौकीदार होते हैं वॉचमैन की भर्ती भी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ इसकी इनकी जो है योग्यता है और ये डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें जो मैंने आपको बताया। अभी बात करेंगे कमेंट की और कमेंट में इन्होंने कहा सर आगरा में भर्ती कब तक आएगी, आप कल का वो देख लीजिए मैंने कल स्पष्ट कर दिया जो अब मेरिट लिस्ट भी दिखाई है जो है तो 2 जिलों की जो है आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट जो थी सॉरी मेरिट लिस्ट जो है इसका इंटरव्यू आपको हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा सर मऊ जिला में चपरासी भर्ती कब तक आई सर बता दीजिए, कमेंट आप कमेंट पढ़ते हैं पर जो है रिप्लाई नहीं है ना, तो देखो भाई मऊ में भी आने वाली है दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक 100% भर्ती आ जाएगी। यदि मेरे चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरी प्लस। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।